पांच से चौदह पंद्रह सोलह आई चलो पांच बीस। आलू का क्या भाव चल रहा है, आलू कहाँ जा रहा है, ये बात हर किसानों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गई है कि सोनू भाई और वीडियो कैसी डालते हैं कि बताते नहीं है कि कहाँ जा रहा है ये आलू। तो आज आप सुन लीजिए, आलू पैसे प्रतिबंध हटाया निर्यात पैसे, तो अभी आलू विदेशों में जा रहा है और आज हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आलू आज ले जा रहा है वो भूटान जा रहा है और 1200 पैकेट जा रहा है। पांच गाड़ी जो हैं लोड होकर कांटे पर जा चुकी हैं और छठवीं गाड़ी ये जा रही है। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं व्यापारी से कितना आलू किस रेट में ले आया और कहां जा रहा है। तो प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि हमने अभी बताया ठीक वैसे ही अब आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी जो है लोड हो रही है और खुद व्यापारी मौजूद हैं। इनसे ही पूछते हैं कि ये गाड़ी जो है जा कर रही है और कितने रुपये पैकेट में उन्होंने तय किया है। जी 1200। कितने रेट में लिया है? 550। 550 में ये कहाँ ले जा रहे हैं? भूटान। भूटान भूटान में कैसी स्थिति है आलू की, क्या नगद पेमेंट मिल पा रहा है? आप जब आलू बेचते हैं तो वहाँ से पेमेंट नगद मिल जाता है या टाइम लगता होगा? नहीं मिलता। टाइम लगता, कितना लगता होगा? 25 दिन लगता है। और यहाँ किसानों को कितने दिन बाद पेमेंट करते हैं? कितने दिन बाद पेमेंट होता है यहाँ पर? एक महीने में। तो किसान आलू किसानों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे, आलू बेचें या अपने कोल्ड स्टोर में रखा रहेंगे? बेचना चाहिए। सो महंगा होगा इससे? नहीं होगा, इतना ही रहेगा। नहीं तो किसान भाई आप खुद देख सकते हैं कि ये व्यापारी हैं और ये आए हैं सादाबाद में और इस वक्त हम सादाबाद के कोल्ड स्टोर में मौजूद हैं और यहाँ से जो गाड़ी है पांच गाड़ी जो हैं लोड हो के जा चुकी हैं। कांटा हो रहा है उनका, तौल हो रही है और छठी गाड़ी ये जा रही है। तो किसान भाइयों हमारा सीधा बस आपसे यही कहना था कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए क्योंकि हम वीडियो आधिकारिक दिखाते हैं, ऑथेंटिक दिखाते हैं, आपको जानकारी पूरी देते हैं कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है। और एक और बात, जैसा कि आप ये सोचते हैं कि भाड़ा तो आप खुद ही जानते हैं, भाड़ा तो किसान को ही देना पड़ता है कोल्ड स्टोर का, बिल्टी जो है वो व्यापारी ये खुद की काटते हैं। अगर आपकी फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है तो हमारे साथ खुद कोल्ड स्टोर मालिक मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि तुम्हारी जिज्ञासाओं का शांति करना हमारा परम कर्तव्य होता है और हम उनसे जानेंगे कि जो व्यापार का व्यापार होता है उसके बाद में इनसे पूछते हैं कि ताऊ जी एक दर्शक हमारे सवाल पूछते हैं कि जो कोल्ड का भाड़ा है वो इसी में लगा के दिया जाता है या कोल्ड का अलग से कटता है, ये बताइए जानकारी। कोल्ड का भाड़ा इससे हमारे यहाँ अलग है, इससे अलग है। हाँ 120 रुपये कट्टे का भाड़ा है, ये अलग है। तो ये बताइए ताऊ जी एक कस्टमर दर्शक हैं वो कहते हैं कि बिल्टी क्या है, कि किसानों पर कटती है या इन्हीं पर कटती है, पूरी डिटेल दे दीजिए बेचने की जो व्यापार करते हैं कि किस क्या कैसे किसानों का क्या क्या कटता है। तो किसानों का 550 रुपया में यहाँ बिक्री हुआ है यहाँ पर जी, ठीक है ना। वो तो बिल्टी व्यापारी बनाएगा, कैसे कहाँ भेज रहा है, कितने की बनाएगा, ये तो व्यापारी जाने, ये तो हमने यहाँ बिक्री किया है किसान का बिक्री किया है भाई, इसमें भाड़ा अधिका वो अलग है, भाड़ा अलग है, वो भाड़ा 550 रुपया में इष्ट किसान देगा भाड़ा इसमें आलू में से कटेगा भाड़ा अधिका जी आलू में से कटेगा। मतलब आप पूरी जानकारी दे दी, बार बार दर्शक हमें परेशान करते हैं कि भैया हमारे यहाँ किया तो इस आगरा मंडल में टोटल बिक्री में से ही भाड़ा कटता है पूरे आगरा मंडल में। हाँ अलग नहीं है, ये कन्नौज की या दिशा आदि का वो अलग है, जैसे कि हमारे 400-425 बिक रहा है और किस भाड़ा मतलब अलग से देना पड़ता है, वो व्यापारी देता है। लेकिन यहाँ किया तो केवल इसमें से भाड़ा कटेगा, स्टोर वाला इसी में से कटेगा तब उसमें किसानों को मिलेगा। हाँ भाड़ा काट करके किसान को पेमेंट किया जाएगा। तो आपने दर्शकों सुना कोल्ड स्टोर मालिकों की बात और इनके बात में काफ़ी दम भी है और हमें भी लग रहा है आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई होंगी क्योंकि आप कमेंट ज़्यादा करते हैं, वीडियो देखने से मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ दन दनादन कमेंट करने से मतलब होता है।
कमेंट करने से कोई फ़ायदा तो निकलता नहीं है, आप मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं जिससे कि हमें तो परेशानी होती होती है, चैनल की टीम को, बाकी जो देखने वाले होते हैं उन्हें भी असहजता महसूस होती है कि कैसे कैसे गंवार भर्ती हो गए चैनल पर जो कमेंटबाजी करते रहते हैं। एक कमेंटबाज ऐसा था वो तो यही बोलने लगा कि आपको तो ये प्रोफेशनल घर है, कोल्ड स्टोर पर मौजूद है, उस भाई को यही नहीं पता है कि कोल्ड स्टोर कैसा होता है और कोल्ड स्टोर और घर में कितना अंतर होता है, ऐसे ऐसे भी हमारे चैनल पर भर्ती हो गए। बहरहाल हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं है, हमारा मतलब है सिर्फ आलू किसानों से, और आलू किसानों के लिए हम लगातार वीडियो दे रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है क्योंकि इसमें आपको पूरी जानकारी मिली है, जो व्यापार से लेकर खरीदार तक व्यापारी ने भी बताया, कोल्ड स्टोर मालिकों ने बताया, आपकी हर जिज्ञासा शांत हुई। ये जो आलू है ये भूटान जा रहा है क्योंकि निर्यात पर से प्रतिबंध हटा है, तो अब आलू किसानों का थोड़ा लाभ हुआ है, 550 रुपये कट्टे का ये रेट किसानों को मिला है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।